कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। रामा सिंघल, आकृति व श्रद्धा शर्मा के लिए आज का दिन निश्चित रूप से अलग और समाज को एक संदेश देने वाला रहा। इन तीनों के ही कंधों पर आज जिले के DM, CDO व जिला प्रोबेशन अधिकारी का दायित्व रहा। राम्या सिंघल एक दिन की प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनी और इस सीट पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए, जिस पर बैठकर दीपक मीणा बतौर जिलाधिकारी कार्य करते हैं। दीपक मीणा रामा के साथ दूसरी कुर्सी पर बैठी और समस्याओं के निस्तारण में राम्या का सहयोग दिया। मीडिया से मुखातिब राम्या सिंघल ने कहा कि आज के इस अनुभव के लिए उनके पास शब्द नहीं है। खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए राम्या ने कहा कि यह दायित्व बेहद यूनिक व जिम्मेदारी भरा है। वह पा रही है कि DM को कितने लोगों व समस्याओं से जूझते हुए रास्ता निकालना पड़ता है। वह एक बार UPSC की परीक्षा जरूर देंगी और यदि लगा तो IAS भी बनेंगी। FirstBite.TV ने राम्या सिंघल, आकृति और श्रद्धा शर्मा के लिए मिशन शक्ति के तहत यादगार बने इन पलों को कुछ इस तरह से अपने कैमरे में कैद किया। पहले चलते हैं जिलाधिकारी कार्यालय, देखिए। पहले मैडम कुछ काम कर लेती, सब वाइट देती है। हाँ करने दीजिए, थोड़ा देख रहे हैं आप। आपको कैसा लग रहा है आज? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लगता है। कल शायद कल को कोई दिन थोड़ी ना, 10 साल बाद मैडम की DM हो आप। ऑफिसर इंचार्ज जो आंसर है साइन कर दो बस। ठीक है, मैं लिखवा दूँगा। मिशन शक्ति के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में दीपक मीणा ने यह जानकारी मीडिया को दी। आज आप अपनी कुर्सी छोड़कर साइड की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बराबर में मैडम बैठी हुई है, क्या मामला है सर? क्या कोई अभियान शुरू किया है? नहीं, देखिए जैसा आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख से मिशन शक्ति चल रहा है बहुत इंटेंसिव मोड में, और उसके तहत काफ़ी प्रोग्राम जो भी जितने भी विभाग एक तरीके से डील करते हैं महिला कल्याण या बालिका कल्याण के लिए, उन सभी विभागों की एक रणनीति और एक कार्य योजना बनाई गई है। पुलिस विभाग अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत काम कर रही है, बाकी डेवलपमेंट के विभाग सभी कैसे हम मेन स्ट्रीम से जो या किस टाइप से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि महिला कल्याण की स्कीम्स बहुत अच्छे से लागू हो पाएँ, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो मिल पाए, तो उसी के क्रम में अलग अलग विभिन्न प्रोग्राम हो रहे हैं। उसमें एक मुहिम ये है कि जो भी हमारी टॉपर्स हैं गर्ल्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने एकेडमिक एरिया में किया है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लोग चाहे DM की पोस्ट हो, चाहे CDO, सचिव, DPRO, जो इतनी भी सरकारी मशीनरी है उन पोस्ट पे वो एक दिन बैठें और देखें कि किस टाइप से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वर्क करती है। उन इसके 2-fold पर्पस हैं कि उनको भी एक चीज़ का एक्सपोजर होगा कि किस तरीके से सिस्टम रन करता है, किस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाई हुई हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, किस तरीके की समस्या एडमिनिस्ट्रेशन को डेली बेसिस पे फेस करनी होती हैं, प्लस लोग जो बच्चियाँ देखेंगी इन सब चीज़ों पर और आपके माध्यम से इसका जो प्रचार प्रसार होगा तो कई बच्चियाँ मोटिवेट भी होंगी इनको देख के, इनसे को अपना रोल मॉडल भी मानेगी, इनसे इंस्पायर भी होंगी। तो ये एक उस टाइप से मुहिम है कि एक सोसाइटी में मैसेज जाए कि जो बच्चियाँ अच्छा कर रही हैं उनका रिकग्निशन भी है, वो पेरेंट्स जो बच्चे और बच्चियों को समान नहीं मानते हैं उनको भी एक मैसेज जाए कि आज के टाइम पर बच्चियाँ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कई जगह पे बच्चों से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, बच्चों से बेटर अपने पेरेंट्स की केयर कर रही हैं। तो ये मैसेज एक सोसाइटी में जाना है और सबको मिलके एक वो एनवायरनमेंट हम लोगों को क्रिएट करना है जहाँ पे कोई भी अगर पैदा होता है हमारी सोसाइटी में तो उसको कोई बायसनेस की फीलिंग ना आए, उसको ये ना लगे कि मेरे जेंडर के बेसिस पे मुझसे भेदभाव किया जा रहा है या जेंडर के बेसिस पे मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक उसी में एक मुहिम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के प्रोग्राम लगातार होते रहेंगे तो लोग मोटिवेट भी होंगे और ये सोसाइटी एक महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए एक बेटर प्लेस भी बनेगी। आज जो बच्ची सिलेक्शन की गई है तो किस आधार पर सिलेक्ट की गई है? टॉपर की या टॉपर में भी इनको ही क्यों सिलेक्ट किया गया? नहीं देखिए, टॉपर जो हमने लिस्ट निकाली तो उसमें ये इंटर की टॉपर हैं इस बार हमारी डिस्ट्रिक्ट की, तो इन्हें चूज़ किया गया। बाकी और भी टॉपर्स हैं उनको भी अलग अलग जगह पर हमने
इन्वॉल्व किया है। तो ऑर्डर में जो भी बच्चे मेरिट में थे अपने ब्लॉक में, अपनी तहसील में, अपने गांव लेवल पे, उनको अलग अलग गांव ग्राम सचिव भी हमने कई बच्चियों को बनाया है, DPRO पे भी बनाया है, ADO पंचायत भी बनाया है, BDOs भी बनाया है। तो वो अलग अलग जगह उनका एक्सपोजर होगा एंड दे विल फील गुड अबाउट दैट थिंग कि एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर बैठ के मुझे लगता है कि उनमें भी एक ये सेंसिटिविटी क्रिएट होगी कि हम लोग भी क्या इस सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं और आगे किस जो भी हम लोग कार्य करें कैसे सोसाइटी में अपना योगदान भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं राम्या सिंघल से। नमस्कार, मेरा नाम रम्या सिंघल है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी 12th क्लास पास करी थी CBSE बोर्ड से और आज मैं एक दिन के लिए DM बनी हूँ एंड ये बहुत ही अनरियल एक्सपीरियंस है। पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। अभी भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है बिकॉज ये काफ़ी मतलब एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस भी है और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक्सपीरियंस है। मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक DM की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ज़्यादा होती हैं, उनका काम कितना इम्पोर्टेंट होता है, इतने रियल लाइफ इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं। मुझे खुद थोड़ा ओवरवेल्म फील हो रहा है क्योंकि इतने सारे लोग, उनकी इतनी प्रॉब्लम्स और उनको सुनना, उनको एक सोल्यूशन देना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स कि आप उनसे कनेक्ट करें, आप उन्हें जाने, उनकी प्रॉब्लम्स को जाने एंड ये सब करना एक काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने का मौका दिया गया है। अभी तक हमने SDM के लिए और OC आर्म्स के लिए और ADM के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इस तरीके से कई अधिकारियों के पास ऐसी समस्या पहुंचती है, आपको कैसा महसूस हुआ जिस तरीके से कि आपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया, प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया सॉल्यूशन की तरफ, ये बताएं। जब वो आई और जब वो रो रही थी तो मुझे अंदर से बहुत उनके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था थोड़ा, मैं क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग तो मुझे थोड़ा ये भी लग रहा था कि उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि क्या करा जा सकता है। ऑफकोर्स सर हेल्प कर रहे थे तो उन्होंने ही थोड़ा गाइड करा कि ऐसे ऐसे करना है, सो दैट हेल्प। जी, तो मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान की फील्ड में ही आगे जाऊँ। तो मैं और मेरा ये भी एम है कि मैं कम से कम एक बार UPSC ज़रूर दूँ। दैट इज़ नॉट माय मेन एम बट आई फील कि एज The youth of today, I should definitely give that exam एक बार, क्योंकि वो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको काफ़ी कुछ पता चलता है अपने बारे में, अपने देश के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में एंड अ लॉट ऑफ अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो अभी यही सोचा है कि मेनली आई वॉन्ट टू गो इन टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अभी उस तरीके का एम नहीं है मेरा, ऐसा नहीं है कि IAS नहीं बनना, आई विल डेफिनेटली ट्राई। आई थिंक इस एग्जाम के लिए आपको अंदर से भी कुछ फील करना पड़ता है एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनल ओपिनियन कि एक बार मैं वो एग्जाम दूंगी एंड अगर मुझे लगा कि मैं वो देने के काबिल हूँ तो आई विल डेफिनेटली परस्यू इट फॉर दो। अब चलते हैं CDO ऑफिस। यहाँ नुपुर गोयल ने अपनी कुर्सी पर आकृति को बैठाया हुआ है, देखिए। मुझे CDO बन के बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था CDO ऐसे एक दिन के लिए बनूंगी, लेकिन मेरा ड्रीम यही है CDO बनने का। कहाँ से पास आउट हुआ? तो अच्छा पास आउट हुई।
कौन सी क्लास की टॉपर हो जी? मैं 10th क्लास की टॉपर हूँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक है और मैं फलाउदा से हूँ, आइडियल स्टूडेंट्स एकेडमी से मैंने पास आउट किया अपनी 10th। हाय मैडम, सीढ़ियों के नाम पर नवाजा छात्र हूँ, क्या यहाँ पर शासन के थ्रू जो मिशन शक्ति फेस फाइव चलाया जा रहा है उसके अंदर आज एक दिन के लिए छोटी छोटी बच्चियों को अलग अलग दायित्व सौंपे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आज टोटल 250 लड़कियाँ हैं जो अलग अलग पदों पर जाकर विराजमान हुई हैं। जैसे आपने ऑलरेडी देखा होगा तो जिलाधिकारी महोदय का जो आज का काम है वो एक लड़की के द्वारा किया जा रहा है, ऐसी सीडीओ आकृति बनी है। साथ ही में हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, सारे सचिव, सारे बीडीओ, इन सबका काम भी आज बच्चियों द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा बेसिक एम ये है कि वो लोग भी कुर्सी के इस टेबल के इस तरफ आकर देखें और समझे कि क्या काम होता है, क्या चुनौतियाँ होती है और बेसिकली उनका एक इंटरफेस हो कैसे गवर्नमेंट फंक्शनरी काम करती है। साथ ही में जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर के द्वारा आएगा वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसमें हमने उनको एक अपील भी की है कि वो अगले दिन जाकर जब उनकी स्कूल की असेंबली हो वहाँ जाकर बताएं कि वो उन्होंने आज क्या क्या सीखा। तो ये एक हम संदेश देना चाह रहे हैं। हम बेटियाँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, यूपीएससी के रिजल्ट्स में भी लगातार देखा जाता है कि टॉप डिस्ट्रिक्ट में बेटियाँ ही होती हैं। तो बेटियाँ बेटों से भरकर हैं, ये अपनी तरफ से मैसेज देंगे माता पिताओं को? नहीं बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटियाँ बेटों से बढ़कर है, मैं कहूँगी कि दोनों एक ही समान हैं। जितना हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि बेटों को ज़्यादा प्यार मिल रहा है या बेटियों को नहीं मिल रहा है उतना, तो वैसा धीरे धीरे करके बहुत चेंज हुआ है सोसाइटी में, बट अभी और भी उम्मीदें हैं कि चेंज हो सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके हम वो पूरी चीज़ें चेंज करें। इस बारे में प्रतीकात्मक सीडियो आकृति के साथ राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा। गुरु जी देख रहे हैं कि आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है और उसके पीछे भी आपकी प्लानिंग है, आपकी योजना? मैं जब से सांसद बना हूं तब से लगातार ये संभावनाओं को खोजता हूं कि कहां से संसाधन मिल सकता। मैंने ये भी प्रयास किया है कि मैं केवल मेरठ नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2028 जब तक मैं रिटायर हूंगा तब तक मिनिमम 10 लाख रुपए का संसाधन प्रत्येक जिले में औसत चला जाए। 13 या 14 जिलों में कुछ ना कुछ संसाधन पहुंच चुका है, मैं कुछ अभी फोटो आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरा इतना कहना, ये मुख्य काम ये है ONGC के सहयोग से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के सहयोग से हो रहा है। इन्होंने हमको 14,000 पैकेट दिए हैं। ये कुपोषित बच्चे या कुपोषित माता के लिए 2 महीने की डाइट है, पोषण डाइट, और ये आज यहाँ पर करीब करीब 4500 के करीब यहाँ बढ़ेगा। प्रत्येक रूप में हमने 5 बांट दिया, बाकी सबको अभी बढ़ जाएगा या उनकी आंगनबाड़ी लेके जाएंगी और उनके घर पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर इस जिले में अभी 4000 बेटे थे शुभारती में, तो कुपोषित बच्चों और कुपोषित माताओं का पोषण करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और विभिन्न सार्वजनिक उद्यम अपने CSR से मदद करके और उसमें से मैं लगातार उनसे ये मदद ले रहा हूँ। तो क्या है आपकी और आगे इसमें और क्या ऐड करना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत है ये, क्योंकि शुरुआत में प्रारंभ करने में थोड़ा समय लगता है, और जब गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है तो थर्ड गियर में पहुंच जाती है, थर्ड गियर पर पड़ने का समय आ चुका है। पूरे प्रदेश में हर जिले का आपका लक्ष्य? हाँ बिल्कुल, मिनिमम 10 लाख रुपए का कुछ ना कुछ काम मेरे माध्यम से, चाहे वो CSR से जाए चाहे मेरी सांसद निधि से जाए, लेकिन 10 लाख रुपए मिनिमम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाएगा, यानी 75 जिलों में जाएगा। अब चलते हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में, यहाँ श्रद्धा शर्मा ने कुछ इस तरह से अपने दायित्व का निर्वाह किया। क्या नाम है आपका और क्या परीक्षा पास की है आपने और आज एक दिन की अधिकारी बनी हो आप, क्या नाम? मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैंने JNM मिडिल स्कूल से कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैंने अपनी कक्षा 10 में 95.5% अंक प्राप्त कर जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है और आज मैं यहाँ पर एक दिन के लिए जिला प्रवर्शन अधिकारी के रूप में नियुक्त हूँ। मैंने आज यहाँ पर नियुक्त होकर विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त की कि विभाग कैसे कार्य करता है तथा महिलाओं के प्रति बने गए एक्ट, उनकी सुरक्षा के प्रति जो एक्ट बनाए गए हैं उनके विषय में जाना। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अगली बार मतलब रियल में ये अधिकारी बनूं।
कुछ बनना चाहती हो और कैसे क्या परीक्षाएं दोगी क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं जेई क्लियर करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।